बात करते हैं जबलपुर की, जहां पाटन के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर न होने से मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया है। परिजनों के मुताबिक टीकाराम रैकवार उम्र 45 वर्ष निवासी पिपरिया को अटैक आया हुआ था, जिसके बाद समय कम होने के कारण परिजन मरीज को मेडिकल ले जाने के लिए कह रहे थे। बावजूद इसके मरीज को शासकीय अस्पताल पाटन में प्राथमिक उपचार दिया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया है। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन का अमला पहुंच गया है और मरीजों को समझाइश देने की कोशिश की है, लेकिन परिजन अपनी जिद पर अड़े रहे। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नर्सों के द्वारा इंजेक्शन व दवाई देकर खाना पूर्ति की गई थी। वहीं मौके पर ही मेडिकल अस्पताल भिजवाया जाता तो परिजन की मौत होने से बच जाती। जब परिजनों ने मेडिकल रेफर कराने की बात कही, उस समय अस्पताल में मौजूद जननी एक्सप्रेस के एक भी ड्राइवर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण परिजन भड़क उठे और जमकर अस्पताल में हंगामा कर दिया। जब एम्बुलेंस वहाँ पेपर से चली थी, वहाँ पर उनसे बोला गया था मेडिकल चलो आओ, तो बोलने के लगे पाटन चलो। हम बोलते जा रहे कि हमारा पेशेंट बहुत ज्यादा गंभीर है। उसके बाद भी कहने लगे नहीं, हम मेडिकल नहीं ले जाएंगे, हम पाटन लाएंगे। पाटन आए तो मैडम ना है घूम रही, माँ है घूम रही। अटैक का कुल मिला के यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जानते नहीं है। उसके बाद जननी है, पैसे लेने के लिए तैयार है, मगर वो ड्राइवर नहीं। परिजनों ने पाटन के शासकीय अस्पताल पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आकाश निषाद, दैनिक भास्कर, जबलपुर।